तो भाई ज्योति मौर्या के आशिक प्रेमी मनीष दुबे पर कड़ी कार्रवाई हो चुकी है। मनीष दुबे दोषी पाया जा चुका है। मनीष दुबे के साथ अब ऐसा किया जाएगा कि मनीष दुबे के खानदान में अगर कोई आगे से इस तरह की गलती करने की कोशिश भी करेगा तो उसके पिछवाड़े पर कुछ इसी तरह से लात पड़ने वाली है जैसे मनीष दुबे के साथ अब होने वाला है। जी हाँ, यूपी के चर्चित केस ज्योति मौर्या, आलोक मौर्या और मनीष दुबे, ये तीन नाम इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में हैं और मनीष दुबे को लोग पानी पी पी कर कोस रहे हैं, इसे गरिया रहे हैं, कह रहे हैं कि मनीष दुबे जैसे घटिया इंसान को इस तरह की हरकतें जो कर चुका है उसे उसके पद से बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है। तो अब जांच कमेटी जो बनाई गई थी, जांच कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टेबल पर वो रिपोर्ट सौंप दी गई है डीजी होमगार्ड मुख्यालय की तरफ से। अब बहुत जल्दी मनीष दुबे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि मनीष दुबे के खिलाफ जो कमेटी जाँच कर रही थी उस जाँच में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन मामलों में मनीष दुबे दोषी पाया गया है। तो मनीष दुबे दोषी पाया गया है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ज्योति मौर्या जो अभी तक एसडीएम के पद पर तैनात हैं और वहीं बैठकर अपने सफाईकर्मी पति को जान से मारने की धमकी दे रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आलोक मौर्या कह रहे हैं और लगातार आलोक मौर्या इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब उनके कलेजे को थोड़ा सा ठंडक मिलेगा और जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग आलोक मौर्या का समर्थन कर रहे हैं उसे देखकर भी कहीं ना कहीं जांच कमेटी बहुत जल्दी बहुत तेजी से बनाई गई थी और उतनी ही तेजी से ये जांच कमेटी अपने रिपोर्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टेबल पर पहुंचाने में भी कहीं ना कहीं सहायक हुई है। तो तीन मामले थे, इन तीन मामलों का अगर हम जिक्र करें तो पहला मामला ज्योति मौर्या को पटाने का है कि किस तरह से आलोक मौर्या की पत्नी ज्योति मौर्या को पटाकर उसके साथ रंगरलियां मना रहा था मनीष दुबे। दूसरा मामला एक महिला होमगार्ड है जिनसे कहता था मनीष दुबे जब वो कमांडेंट था कि रात में अकेले मुझसे मिलने आओ और जब वो नहीं मिलने आती थी तो इस तरह से उसको टॉर्चर करता था, उसके ड्यूटी रात में लगाता था, कभी दिन में लगाता था, कभी बहुत ज़्यादा परेशान करता था। उस महिला होमगार्ड ने भी इस पूरे मामले की शिकायत डीजी से की थी। और तीसरा मामला उसकी खुद की पत्नी तनु पराशर, तनु पराशर की तस्वीर आप देखिए, यही उस घटिया इंसान या फिर जिस तरह से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं है, पब्लिक कह रही है, पब्लिक के हिसाब से मनीष दुबे जैसे घटिया इंसान ने अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा, अपनी पत्नी के साथ भी इसने दगाबाजी की और अब इसकी पत्नी के मामले में भी ये दोषी पाया गया है। यानी कि मनीष दुबे के खिलाफ अब काला पानी की सजा होगी मनीष दुबे को, तो मनीष दुबे भी अब लॉरेंस बिश्नोई की तरह काला पानी की सजा काटेगा। सबसे पहले इसकी नौकरी जाएगी, नौकरी जाने के बाद इसे हो सकता है जेल में भी भेजा जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि मनीष दुबे जिस तरह से अभी तक लंबा चौड़ा भाषण दे रहा था, कह रहा था कि आलोक मौर्या को यह नहीं पता होगा कि उसे पीसीएस की कैसी परीक्षा होती है, मेंस के पेपर कैसे दिए जाते हैं, अनपढ़ गंवार न जाने क्या क्या बातें कर रहा था। तो आपको बता दें कि भले ही मनीष दुबे को यह गलतफहमी थी, वो ये गलतफहमी पाल कर बैठे हुए थे कि उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भैया सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया था ना कि अगर आप किसी की भी पत्नी के साथ आपका नाजायज रिश्ता है, किसी भी महिला के साथ आपका जो है गंदा चरित्र वाला रिश्ता है, तो आप दोषी थोड़ी पाए जाओगे। तो इस आधार पर मनीष दुबे बहुत ज़्यादा उछल रहा था, कूद रहा था और उसका बयान भी निकल कर सामने आया था, लेकिन अब उसका यही दाव उल्टा पड़ चुका है और इस तीनों मामलों में उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। सज़ा इसलिए मिलेगी क्योंकि मनीष दुबे कोई छोटा मोटा आदमी, आम इंसान तो था नहीं, वो एक होमगार्ड, एक जिले का होमगार्ड कमांडेंट था, यानी कि मुखिया था। और मुखिया जब ऐसी करेगा, ऐसी अश्लील हरकतें करेगा, किसी की पत्नी को पटाकर उससे ले जाकर होटल में उसके साथ इस तरह से अनैतिक काम करेगा, तो अब आप सोच सकते हैं कि उसके जो और होमगार्ड होंगे उन पर क्या शिक्षा पड़ेगा, उन पर क्या असर जाएगा। और यही सबसे बड़ी वजह रही है कि मनीष दुबे जैसे दोगले इंसानों को इस तरह से सज़ा मिलने वाली है। तो इंतज़ार कर रहे हैं लोग अब मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ कब अपने टेबल पर नज़र दौड़ाएंगे, फाइल उठाकर देखेंगे, रिपोर्ट उठाकर देखेंगे और मनीष दुबे को खींचते हुए पुलिस ले जाएगी और उसे लॉरेंस बिश्नोई जैसे खतरनाक बदमाशों की तरह उसे ट्रीट किया जाएगा ताकि आने वाले 7 पीढ़ियों में उसके पूरे परिवार में कोई इस तरह की हरकतें ना कर पाए। वैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार में जितनी तेज़ी से ऐसे गुंडे बदमाशों पर, इन्हें गुंडे बदमाश अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, जितनी तेज़ी से कार्रवाई हो रही है, इससे पहले किसी भी सरकार में अगर ऐसी कार्रवाई हुई हो तो आप नीचे लिखकर बताइए। मुझे तो नहीं लगता किसी भी सरकार में ऐसी कार्रवाई हुई है, मैं चश्मा पहनना छोड़ दूंगा अगर आप बता देंगे तो। देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा है उसके बाद भी हम इतना ज़्यादा खुश हैं कि ऐसे इंसान के खिलाफ जो जाँच
की गई थी, जांच की रिपोर्ट बिल्कुल सही पाई गई है। वैसे जितने लोग हल्ला कर रहे थे, आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए, ज्योति मौर्य को सजा होनी चाहिए, मनीष दुबे को सजा होनी चाहिए, आज उनके सीने पे ठंडक जरूर पहुंची होगी और पहुंचनी भी चाहिए। और ऐसे लोगों को भी एक सबक है जो अपने पतियों का इस्तेमाल करके उन्हें फिर धक्का मार देती हैं नौकरी पाने के बाद, मनीष दुबे जैसे लोगों के साथ जाती हैं। ना सिर्फ मनीष दुबे जैसे लोगों का घर परिवार बर्बाद होता है, बल्कि आलोक जैसे बेचारे भोले भाले सफाईकर्मी, मासूम इंसान जिसने पढ़ाया लिखाया, उसका भी जीवन बर्बाद होता है। तो भाइयों और बहनों, इसमें और भी ज़्यादा से आप लोग सपोर्ट कीजिए आलोक मौर्य को, ताकि जो सबसे मेन इस वक्त ज्योति मौर्य हैं, जिन्हें अभी भी ये लग रहा है कि वो अपने पति को दबा ले जाएंगी SDM पद का दुरुपयोग करके, उसका सपोर्ट और कीजिए और कोशिश कीजिए कि आलोक मौर्य चौड़ा होके, सीना चौड़ा करके घूमे। क्योंकि आज भी आलोक मौर्य कह रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद, उस होटल में रंगरलियां जो उसने देखा बेचारे ने, वो सब देखने के बाद भी ये कह रहा है कि ज्योति मौर्य आज भी आ जाओ तो आज भी मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था, अपने बेटियों से प्यार करता था, अपने परिवार से प्यार करता था। सोचिए, वो इंसान आज भी माफ़ करने को तैयार है, लेकिन ये महिला अपने घमंड में है और कह रही है मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। वैसे दोस्तों, मनीष दुबे के साथ जो हुआ, 3 मामलों में दोषी पाया गया, आपका क्या कहना है इस पर? ज्योति मौर्य के खिलाफ भी जब जाँच रिपोर्ट सामने आएगी, उसमें क्या निकलेगा और क्या निकलना चाहिए, ज़रूर बताइएगा। आपका शुक्रिया।